खबर जनपद चंदौली के चकिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता की शिकायतों का आसानी से निस्तारण कराने के लिए जन सुनवाई पोर्टल जांच कराया है। शासन का मकसद लोगों को घर बैठे समस्याओं का समाधान दिलाने का है, पर चंदौली जिले के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मनमानी की वजह से सरकार की इस मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि पोर्टल पर दर्ज होने वाले अधिकतर मामलों की जाँच तक नहीं की जाती, अफसर दफ्तर में बैठे बैठे निस्तारण की रिपोर्ट लगा देते हैं। शिकायतकर्ताओं के आरोपों की जाँच के बिना ही उन्हें झूठा साबित कर दिया जाता है। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराने वाले परेशान है, वह पोर्टल पर मनमानी की शिकायत भी करते हैं, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। यही वजह है कि आम लोगों का विश्वास अब पोर्टल से उठता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला चकिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बसीनिया से है, जहां के रहने वाले शशांक द्वारा गांव में खराब हो चुकी सड़क के निर्माण कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बिना शिकायतकर्ता से मिले एवं बिना मौके पर गए मामलों का फर्जी निस्तारण कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री की जन सुनवाई पोर्टल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पोर्टल पर दर्ज होने वाले शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया जा रहा है, इसे लेकर शिकायतकर्ता परेशान है। क्या नाम है आपका? शशांक कुमार। शशांक जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बसनिया जी। शशांक जी, क्या मामला, आपने शिकायत किया था रोड के संबंध में? क्या मामला के लिए शिकायत किया था? जन सुनवाई ऐप के थ्रू जी, जिस पर जो जेई थे हमने किया था उनके लिए, तो उन्होंने बोला था कि रोड, हमारे प्रॉब्लम ये है कि मतलब रोड बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत दिन हो गए हैं रोड बनाए नहीं। कई बार शिकायत किया गया था, फिर जब जेई के द्वारा ये दिया गया आश्वासन कि रोड जल निगम द्वारा खनना गया है जी, जबकि जल निगम रोड से थोड़ा दूर खनना है, रोड के सड़क के नहीं खनना है जी। मौके पर जेई आए थे क्या? नहीं, मौके पर कोई नहीं आया था, लेकिन वो अपने से बनाकर दे दिए थे निस्तारण जी। शिकायत आपसे, आपने शिकायत किया तो मौके पर आपसे मिले जेई? नहीं, कोई फोन भी नहीं आया था, मिलने भी कोई नहीं, देखने कोई नहीं आया, बस ऐसे ही मौके पर निस्तारण कर दिया गया मामले का। आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, रोड बना ही नहीं तो संतुष्ट कहां। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।